थायराइड की बीमारी पूरी तरीके से आपकी लाइफस्टाइल पर बेस्ड होती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो थायराइड के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो रही है, थायराइड की बीमारी भी वैसे वैसे फैलती जा रही है। थायराइड की बीमारी महिलाओं को ज्यादा शिकार बनाती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं थायराइड की अधिक शिकार हो रही हैं। तनाव और अवसाद इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। थायराइड की वजह से महिलाओं को मोटापा, तनाव, कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, ऑस्टियोपोरोसिस और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बारे में कई मिथक भी प्रचलित हैं, जैसे मरीज को जीवन भर दवाओं का सेवन करना होता है या बुजुर्ग महिलाओं को ही थायराइड होता है। जी हाँ, थायराइड में आपको जिंदगी भर दवाओं पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इससे डरने की कोई आवश्यकता। ब्लड जांच से ही पता चलती है ये बीमारी। शुरुआती स्तर पर पहचान होने पर थायराइड को न सिर्फ आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि इससे छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन देर से पहचान होने पर ताउम्र दवा का सेवन करना पड़ सकता है। थायराइड की जांच ब्लड टेस्ट से ही होती है। ब्लड में T3, T4 और THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट किया जाता है। थायराइड जिस प्रकार से फैल रही है उस प्रकार से हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत जल्दी बदलाव करने की भी आवश्यकता है। थायराइड से लड़ने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थायराइड को दूर करने के घरेलू इलाज इस प्रकार हैं। साबुत धनिये का प्रयोग। एक गिलास पानी में 2 चम्मच साबुत धनिये को रात के समय में भिगो कर रख दें और सुबह के समय में इसे मसल कर उबाल लें। फिर जब पानी चौथाई रह जाए तब खाली पेट इसे पी लें और गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। ये उपचार लगातार करने से थायराइड की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अदरक। घरों में आमतौर पर मिलने वाली चीजों में से एक है अदरक। इसमें मौजूद गुण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलवाते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है और इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाता है। दही और दूध का सेवन। थायराइड की समस्या से ग्रसित लोगों को दही और दूध का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। दूध और दही में मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स थायराइड से ग्रसित पुरुषों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। मुलेठी का सेवन। थायराइड के मरीजों को थकान बड़ी जल्दी लगने लगती है और वे जल्दी ही थक जाते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होगा। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाता है, थकान को ऊर्जा में बदलता है। मुलेठी थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है। थायराइड को दूर करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर योगा करें या फिर जिम में जाकर एक्सरसाइज करें। थायराइड के दौरान अपने वजन को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि थायराइड अभी शुरुआती कंडीशन में है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस बीमारी को लेकर चलते रहेंगे तो ये आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। थायराइड के बाद आपको कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हार्मोन इम्बैलेंस और बांझपन की भी समस्या महिलाओं में हो सकती है। तो अंत में आयुर्वेद समाधान बस यही राय देता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सो जाएं, कसरत करें, व्यायाम करें और ऑयली चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि कोई भी बाहर का जंक फूड इस्तेमाल ना करें। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। नमस्कार।